हेलो एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4, जिसमें हम देखने वाले हैं चेक बॉक्सेस क्या होता है और इसको कैसे डिजाइन करते हैं हम एडोब एक्सट्रीम में। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा पार्ट 3, अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस ये बहुत सिमिलर काम करते हैं, फर्क इतना ही है। रेडियो बटन में सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन चेक बॉक्सेस में आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। जैसे चेक बॉक्सेस में आप देख सकते हो मैन, वुमेन, अदर्स, तीनों में से एक चूज कर सकते हो। लेकिन चेक बॉक्सेस में अगर हम देखा जाए तो प्रीफर्ड सिटी मुंबई, पुणे, नागपुर, तो दोनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं या कोई भी एक हो सकता है, राइट। तो ऐसे बहुत ये मेजर डिफरेंस है चेक बॉक्स और रेडियो बटन में, ठीक है। बाकी फंक्शनलिटी सेम होती है, राइट। तो चलिए डिजाइन करते हैं हमारा चेक बॉक्स, ठीक है। तो जैसे अपने हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कुछ स्टेट्स होती हैं, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे चेक बॉक्सेस के दो स्टेट्स होती हैं, जस्ट लाइक रेडियो बटन्स, एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है सिलेक्टेड। तो डिफॉल्ट व्यू मतलब जब भी कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होता है तो कैसे दिखेगा, और सिलेक्टेड मतलब जब भी कोई ऑप्शन सिलेक्ट होता है तब वो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये दो फर्क होता है इनमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक इन माई लास्ट वीडियो, मैं वही करने वाला हूँ जो इस लास्ट वीडियो में किया था। मैंने एक कंटेनर बना लिया 24x24 पिक्सल का, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक एलिमेंट ड्रॉ करने वाला हूँ, चेक बॉक्स मेरा, जो मुझे लग रहा है ये साइज आई गेस ये इतनी इनफ हो गई, ठीक है। मैं पीछे वाले जो कंटेनर है उसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा कंटेनर है जस्ट, राइट। तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसका रेडियस मुझे लग रहा है कि 5 कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, 4 आई गेस ये सही है, 4, ठीक है। इसको मैं फिल ऑफ कर देता हूँ। इसका जो बॉर्डर है मैंने ये पैलेट बना के रखा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, इसको मैं 50% कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा डिफॉल्ट स्टेट मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा थिक होना चाहिए, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बन गया डिफॉल्ट स्टेट। तब हम क्या करने वाले हैं, इसमें राइट क्लिक करके मैंने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, मैंने बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर लिया और मैंने जो एलिमेंट है हमारा वो भी सेलेक्ट कर लिया। तो दोनों को पकड़ के राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा एक कंपोनेंट बन गया। तो ये मेरा पैरेंट बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसी को नीचे लेके आने वाला हूँ, ये डिफॉल्ट स्टेट है मेरा, ठीक है। अब मैं बनाने वाला हूँ मेरा सिलेक्टेड स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिलेक्टेड स्टेट, यहाँ पे मैंने रख दिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्टेट ऐड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आके मैं इसको बोलता हूँ सेलेक्टेड, ठीक है। तो ये मैं अब काम जो भी मैं काम करूँगा, आई विल मेक श्योर कि मैं इस ऑप्शन पे सेलेक्टेड हूँ, राइट, इस स्टेट में हूँ, राइट। ये डिफॉल्ट स्टेट है और ये सिलेक्टेड स्टेट है, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर जब भी आप चेंज करोगे तो ये सिलेक्टेड स्टेट में अपने होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब सिलेक्टेड स्टेट में क्या हो सकता है, एक तो उसके अंदर चेकबॉक्स हो सकता है, राइट, या कुछ ऑप्शन हो सकता है। तो नॉर्मली मैं काम करता हूँ, यूजुअली इसका मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको जो फिल कलर है वो मैं इस तरह से रख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक आइकन जिससे वो चेक लगे, मतलब चेक एक सिलेक्टेड ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ ये सिलेक्टेड है, ठीक है। तो आपको ये फाइल में ये एक ऑप्शन मिल जाएगा, चेकबॉक्स आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिलेक्टेड में हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट वो जो है स्टेट उसके अंदर हूँ, मैं उसके अंदर इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा छोटा, ठीक है, मैं इसको करता हूँ वाइट, ठीक है। अब आप देखो ये है डिफॉल्ट स्टेट, ये है सिलेक्टेड स्टेट, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों में क्लियरली डिफरेंस आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ कि ये ऑप्शंस कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा याद रखना पेरेंट ये जो है मास्टर, इसको टच नहीं करना है, कॉपी करके पेस्ट कर दो, आप उसको कहीं पे भी यूज करो। तो आपके कहीं भी डिजाइन में मास्टर यूज नहीं करना है, मतलब कंपोनेंट यूज नहीं करना है, पेरेंट है चाइल्ड है। तो जो भी चेंज करना है, जो भी यूज करना है, आपको चाइल्ड के साथ करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, तो ये हो गया है। अब मैं इसके सामने एक टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ, मैं इसको कहता हूँ जैसे मान लीजिए लैंग्वेज नास इंग्लिश, इसका कलर चेंज कर देता हूँ कुछ 70%, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन हो गया 1, इसको मैं ग्रुप करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं आप, या ड्रैग भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश और मराठी
मराठी, ठीक है। अब ये यूजर पर डिपेंड करता है कि वो तीनों चूज कर सकता है, तीनों में से कोई एक चूज कर सकता है, दो भी कर सकता है। तो आपको डजन में सिर्फ ये करना है, जस्ट। ये बहुत कन्वीनियंट वे है आपके डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए। हमेशा कोई भी आइकन, कोई भी एलिमेंट बनाते हो तो मेक श्योर यू हैव टू मेक इट मार्क इट एज अ कंपोनेंट। ओके, इसको कंपोनेंट के बिना यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको कोई चेंज करना है तो आपको हर बार जाके चेंज करना नहीं होता है, करना नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए मुझे लग रहा है कि इसमें एक ग्लो होना चाहिए, तो मैं इनमें आके चेंज नहीं करूंगा, मैं मेरे मास्टर में चेंज करूंगा। तो ये बहुत कन्वीनियंट वे है। मैं डिफॉल्ट व्यू में जाता हूँ, उसके बाद मैं सिलेक्टेड व्यू में जाता हूँ, इसमें डबल क्लिक करता हूँ, मैं इसको ग्लो दे देता हूँ एक, मुझे लग रहा है एक ग्लो होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको जीरो कर देता हूँ और ये इसके बाहर नहीं जाना चाहिए ग्लो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको ग्लो भी उसी कलर का मैं दे देता हूँ इस तरह से, ठीक है। चलिए अब देखिए ये ग्लो यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चेक बॉक्स कैसे डिजाइन करते हैं क्विकली और कहाँ पे यूज करना है। ये बहुत क्लोज है रेडियो बटन के साथ, जैसे आपने लास्ट, अगर आप लास्ट वीडियो भी देखोगे पार्ट 3, तो आपको पता चलेगा ये दोनों वीडियो बहुत सिमिलर है, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।